बेयर बॉटम टैंक्स क्या होते हैं, कहाँ यूज़ किए जाते हैं, किन फिश के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये सब आपको जानना है तो ये वाला वीडियो देख लेना। इस वीडियो में फ़िलहाल मैं बात करूँगा इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ आकाश कदम। सबसे पहले बात करते हैं इनके एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेज नंबर वन है इजी टू क्लीन। ये टैंक्स बहुत ही आसान होता है इन टैंक्स को क्लीन करना, मेंटेन करना, एज कंपेयर टू अदर टैंक्स। एडवांटेज नंबर टू, इन टैंक्स में आपका जो वाटर फ्लो होता है, पंप का जो वाटर फ्लो मतलब आउटपुट होता है, वो आप ज़्यादा रख सकते हो, क्योंकि इनमें ना तो सबस्ट्रेट होता है ना कोई प्लांट्स होते, जिसकी वजह से मतलब जो प्रेशर होता है उसकी वजह से कुछ भी है यहाँ वहाँ फ्लोट नहीं होगा। सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी आपकी फ़िश कितनी कंफर्टेबल है उस फ्लो की वजह से। अभी बात करते हैं एडवांटेज नंबर थ्री की। आपके फ़िश को ज़्यादा स्पेस मिलेगा टैंक में स्विम करने के लिए। जैसे कि अरवाना को बहुत ही ज़्यादा स्पेस लगता है, और ये टैंक्स अरवाना के लिए मतलब यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादातर एक्सपेंसिव फिश जो होती है उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। इनमें बहुत डेकोरेशन नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या होता है जब फिश स्विम करती है, बड़ी फिश, एक्सपेंसिव फिश, तब ड्रिफ्ट उड वगैरह होगा तो वो टकराएगी, उसमें स्क्रैचेस पड़ेगी, तो अच्छा नहीं दिखेगी फिश। इसीलिए अच्छा दिखता भी नहीं है और उसको हर्ट होता है, इसीलिए बेयर बॉटम टैंक्स प्रिफर किए जाते हैं इन एक्सपेंसिव फिशेस के लिए। अभी बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला डिसएडवांटेज है फिल्ट्रेशन। आपको आपका फिल्ट्रेशन जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फिश टैंक में सब्सट्रेट नहीं है जिसपे, या फिर कोई भी चीज़ नहीं है जिसपे आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो हो पाए। इसीलिए आपका जो फिल्टर होगा वो बड़ा होगा तो उसमें फिल्टर मीडिया भी ज़्यादा होगा और उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो हो पाएगी। अगर आपको बेनिफिशियल बैक्टीरिया या फिर साइकिल के बारे में नहीं पता, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में नहीं पता, तो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, उनको चेक कर लेना। डिसएडवांटेज नंबर टू, कुछ फिश बिना ग्रेविल्स के या फिर बिना सब्सट्रेट के नहीं रह सकती, जैसे कि गोबीज और जॉ फिश, इनको सब्सट्रेट लगता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज नंबर थ्री, ये कुछ लोगों के लिए अगली लग सकता है, ये टैंक बहुत मतलब बिल्कुल ही एम्प्टी होगा। मेरे को लगता है ये जो बिगिनर्स होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ जो नए फिश कीपर्स होते हैं, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं एक्वास्केपिंग में, मतलब टैंक को डेकोरेट करने में, तो उनको एकदम बेयर बॉटम टैंक पसंद नहीं आएगा। जैसे जैसे वो हॉबी में आगे बढ़ते जाएंगे तो उनको पता चलेगा इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। मतलब कुछ लोगों के लग सकता है, कुछ लोगों के लिए फिर भी बहुत साल हो चुके हैं फिश कीपिंग करते हुए, फिश हॉबी को करते इस हॉबी को करते हुए, फिर भी उनको बेयर बॉटम टैंक्स नहीं पसंद। सो दैट्स इट इन टुडेस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसी के साथ उस बेल को बजा देना, ताकि मेरी नई वीडियोस आने के बाद आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, कीप हेल्पिंग अदर्स एंड कीप स्माइलिंग।